स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। देखो अभी तक क्या होता था, जब हम डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करते थे तो हम आसानी से सॉल्व कर पाते थे, वहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आराम से बना पाते थे। बट जब इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर आया तो सारी चीज़ें पलट गई। हमने पिछले वीडियो में देखा भी है कि कैसे हम एनर्जी मेथड का यूज़ करके हम इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर को सॉल्व करते हैं। बेसिकली किसी भी इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर का मेन दिक्कत ये होता है कि जब तक उसके रिएक्शंस ना निकल जाएं सारे के सारे, जो कुछ भी उसमें एक्ट कर रहा है, चाहे मोमेंट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जैसा भी है, तब तक हम उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना सकते। सो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू एनर्जी मेथड। वो भी अच्छा मेथड है बट वो थोड़ा लिमिटेड है और ये मुझे थोड़ा सा वास्ट लगता है। सो इट आई थिंक इट वुड बी बेटर फॉर यू। सो लेट मी प्रोसीड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में कुछ प्रोसीजर्स हैं। सो मैं प्रोसीजर्स को बताते जाता हूँ। इसमें बेसिकली चार प्रोसीजर्स हैं और इसके प्रोसीजर क्या हैं। सबसे पहला है फिक्स्ड एंड मोमेंट, ओके। दूसरा है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तीसरा है इक्विलिब्रियम कंडीशन। और चौथा है फाइनल मोमेंट या फिक्स्ड मोमेंट, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप जैसे हम चलेंगे वैसे हमको हमारा इंडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कैसा भी स्ट्रक्चर है, हम उसको ब्रेक करेंगे और उनके दोनों एंड्स पर फिक्स सपोर्ट ठूस देंगे, ठाए। उसके बाद हम उस स्ट्रक्चर का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखेंगे, फिर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तैयार करेंगे और जीरो के बराबर करना इक्विलिब्रियम में तो, और फिर फाइनल जो हमारा निकलेगा फाइनल मोमेंट ये, ओके। सो मैं हाँ, जैसे एक और छोटे से इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया से उसको भी बता देता हूँ। सपोज जैसे मैंने ये फिक्स ठूसा दोनों साइड, ठीक है, किसके, एक बीम के जो इसके ऊपर UDL रखा हुआ था लोडिंग, और इसका है W/m। सपोज इसकी लेंथ L है। और ए एंड बी इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, ज़्यादा बेटर है। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, MFAB फ्रॉम ए टू बी, ये आएगा W L² / 12 नेगेटिव साइन के साथ, ओके। MFBA आएगा पॉजिटिव साइन के साथ, WL² / 12, गॉट इट। नाउ अगर मैं फिक्स्ड ठूसा किसी पॉइंट लोड के अक्रॉस, और ये है W और ये है L/2, ओके, ये टोटल L, तब, और इसका नाम कर देते हैं CND, चलो कन्फ्यूजन ना। MFCD = -WL/8 एंड MFDC = WL/8। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर क्या है, बेसिकली ये मोमेंट है, ओके। सो मोमेंट का, हाँ, मोमेंट के लिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए क्राइटेरिया फिक्स करना है, तो ये मैंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ओके। ये है हमारा क्राइटेरिया फॉर मोमेंट टू बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। अगर हम बाय डिफॉल्ट यानी कि बाय डिफॉल्ट, हाँ, पहले से हम ऐसा मानते हैं नेगेटिव, यानी कि इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा टाइप का मोमेंट जनरेट हो रहा होगा, इसलिए हमने नेगेटिव और पॉजिटिव लिया है, ओके। और यानी कि इसको ज़्यादातर लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। ऑल्सो वन मोर क्राइटेरिया, सपोज ये आगे प्रॉब्लम्स में आएंगे, जब कुछ ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर हो, सपोज यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है एंड यहाँ पे भी एक रोलर सपोर्ट है,
और ये रोलर सपोर्ट कुछ सेंटीमीटर नीचे खसक गया, या आएगा आगे प्रॉब्लम है तो ये कुछ ऐसा टाइप का डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं होगा बट लिटिल बिट हो जाएगा। सो उसके कारण यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शंस आते हैं, ये हम आगे प्रॉब्लम में डील करेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो जाएगा दोनों साइड पे, अगर ये सीधा है तो कुछ एंगल फॉर्मेशन हो जाएंगे। सो उसको हम लिखेंगे फाई, अगर ये ए बी साइड में है और ये वाला अगर सी डी साइड में सपोज, तो इसका सिंपल सिंपल है अगर ये डिफ्लेक्शन डेल्टा है और ये लेंथ एल है तो ये सीधा सीधा हो गया डेल्टा अपॉन एल। ओके सो ये आगे और कुछ केसेस में भी आएगा, तो ये बेसिकली वैसे ज़्यादातर ज़ीरो ही होता है, कुछ ही केसेस में ये एंगल ऐसे आएंगे दो उनके बीच के एंगल कैसे चेंज हो रहा है। बाकी थीटा तो आप जानते ही हैं, थीटा कैसे अगर फिक्स्ड एंड है ए और यहाँ से ऐसा गया है तो क्या यहाँ पे थीटा बनेगा, क्या ये बीम ऐसे यहाँ थीटा क्रिएट करेगी? नो नेवर। अगर बीम में डिफ्लेक्शन होता है तो वो यहाँ से थोड़ी सी दूर जाके ही डिफ्लेक्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थीटा ज़ीरो होता है, ये मैं अगर आगे लिखूँगा तो कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे फिक्स्ड एंड है थीटा सीधा सीधा ज़ीरो होगा। ये आप ये मत कहना कि ये भैया ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये थोड़ा दूर जाके ऐसा डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ क्रिएट होता है, वो यहाँ क्रिएट नहीं होता ए पॉइंट। ओके सो लेट मी स्टार्ट विथ ए क्वेश्चन एंड सारे इसी में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलो क्वेश्चन उठाते हैं, सपोज ये एक फिक्स्ड एंड है और दूसरे साइड भी चलो फिक्स्ड एंड ही लेते हैं, और बीच में यहाँ पे हम एक सपोर्ट दे देते हैं, लेट इट बी लाइक दिस। ओके टू फिक्स्ड एंड वन रिजिड, सो इन सपोर्ट, और यहाँ पे कुछ लोडिंग डाल देते हैं 5 और यहाँ डाल दिया 8, बोथ आर इन किलो न्यूटन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलो इसको एक काम करते हैं, 5 लेते हैं और इसको बराबर 2.5 2.5 के बीच में इसको प्लेस करवाते हैं। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाफ है तो 2.5 कर लीजिएगा। ओके इसको भी चलो 5 ले लेते हैं, बट इस लोडिंग को सेंटर पे नहीं रखते, ये अगर सेंटर पे आ जाएगी तो ये भी सेंटर पे मज़ा नहीं आएगा। एक काम करते हैं इसको 3 पे रखते हैं और इसको 2 पे रखते हैं यहाँ। ओके यानी कि सिमेट्रिकल है लेकिन ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है, मतलब जो लोडिंग सेंटर पे नहीं है ना। तो सबसे पहला प्रोसीजर का स्टेप क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ओके तो सबसे पहले स्पैन, ये जो स्पैन है इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं ए बी एंड सी, और अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये उठा लिया हमने पहला वाला, दोनों साइड फिक्स्ड एंड ठूस दिए, ये ए हो गया ये बी हो गया। अब यहाँ पे लोडिंग आई है 5, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2 डिस्टेंस पे। अब मैंने सिमेट्रिकल के लिए तो बताया हुआ है कि एम एफ ए बी अगर ऐसा टाइप का आ जाए तो -W(L/8), बट अगर ये अनसिमेट्रिकल है, अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो उस केस में थोड़ा सा डाटा चेंज हो जाता है, कैसा? ये हो जाएगा WA(B)/L². ओके अब ये ए और बी क्या बला है मैं अभी बताता हूँ। ए जो है वो डिस्टेंस है, जैसे ए एंड बी है तो ए से डिस्टेंस है ये, तो यहाँ पे आएगा 3, और बी से जो डिस्टेंस है वो आएगा स्मॉल पी पे, सिंपल। एल तो टोटल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ तो 5 है हमको पता है, तो यहाँ से हमको मोमेंट अबाउट एफ ए बी निकल गया। चलो लिखते जाते हैं, मोमेंट एफ ए बी इक्वल्स टू लोडिंग 5 नेगेटिव के साथ इनटू, हम पहले वाले को नेगेटिव मानते हैं ना, ऐसा ऐसा डायरेक्शन वो भाई मैंने बताया था ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पहला वाला। ओके 5 इंटू 3 ए से इंटू 2 का स्क्वायर/L² यानी कि 5 का स्क्वायर। ओके सो इसको कैंसिल करवा के ये आंसर आएगा -2.5 2.4। ओके सिमिलरली एम एफ बी ए, तो अब इसमें क्या होगा ये देखो,
अब ये जो डिस्टेंस है टू, यानी कि 5 × 2, ये पहले आएगी क्योंकि बी से है, इंटू अब आएगा ए, तो ए से डिस्टेंस है 3, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वैल्यू आई +3.6। देखिए तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आई ना, अनसिमेट्रिकल था इसलिए आई है, अगर सिमेट्रिकल सेक्शन होता तो सेम आती। तो जो यहाँ पे अभी देखा, अभी दिखेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको एम एफ ए बी की वैल्यू पता चल गई और एम एफ बी ए की वैल्यू पता चल गई, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बी से सी का, तो दोनों साइड फिर से फिक्स्ड एंड ठूस दो। ओके, ये बी है, ये सी है, अब ये सिमेट्रिकल है तो यहाँ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, एम एल अपॉन एट को अप्लाई किया गया है। ओके, तो यहाँ पे एम एफ बी सी का वैल्यू आएगा -WL/8, यानी कि -5 किलो न्यूटन मीटर, प्लीज यूनिट लिखिएगा। एम एफ सी बी का वैल्यू आएगा +WL/8, यानी कि +5 किलो न्यूटन पर मीटर, 5 किलो न्यूटन मीटर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, क्योंकि ये सिमेट्रिकल था और वगैरह वगैरह। ओके, अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की, कि अगर इन दोनों के एंड फिक्स होते तो कैसा मोमेंट जनरेट होता। अब यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप लिखा था, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, शुद्ध देसी एंडिंग नहीं है ये, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। ओके, यूट्यूब में ज़्यादा दिमाग वहाँ चलता है बेसिकली। ओके, अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के लिए हम इक्वेशंस लिखेंगे, उसके पहले कुछ एंड कंडीशंस होते हैं। एंड कंडीशंस, एंड कंडीशन क्या होंगे, जैसे ये एंड फिक्स है और ये एंड फिक्स है, तो दोनों का थीटा ए एंड थीटा सी का वैल्यू सीधा सीधा 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये मैंने पहले थोड़ा एक्सप्लेन किया था। ओके, और बाकी यहाँ पे, हाँ चलो इसको पुट करते हैं। अब मैं बात करता हूँ एम ए बी की, अभी तक हम बात कर रहे थे एम एफ ए बी की, अब हम बात करेंगे एम ए बी की। तो एम ए बी की वैल्यू एम एफ ए बी से ही आती है, तो एम ए बी जो यहाँ पे आएगा वो एम एफ ए बी प्लस, ओके, 2EI/L, विच इज द लेंथ, इंटू थीटा ए प्लस 2θB, ओ सॉरी, 2θA+θB -θSi(ab)। ओके, तो ये होता है बेसिकली फॉर्मूला इक्वेशन का, यानी कि जो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उसका एक फॉर्मूला है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो एम ए बी का वैल्यू बात करेंगे, तो एम एफ ए बी की हमारी वैल्यू आई थी -2.4 प्लस 2EI। क्या होता है, आगे के क्वेश्चन में अनसिमेट्रिकल, यानी कि जो हमारी जो बीम है इसमें कहीं यहाँ पे वैल्यू आई होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, लेकिन यहाँ पे 2I होगी, ऐसा भी हो सकता है, मतलब अलग अलग स्पैन के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज आएगा। अभी तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 5 × पहले +2θA की बात करते हैं, तो थीटा ए और थीटा सी मैंने 0 बोला है, ये 0 होगा, बचा गया थीटा बी, और फाई ए बी इस केस में नहीं होगा, मतलब ये साई ए बी, सीधा सीधा वैल्यू यहाँ ख़त्म हो गई। ओके, सिमिलरली एम बी ए की बात करें तो यहाँ पे आएगा एम एफ बी ए प्लस, हाँ इसको मैं लिख देता हूँ, एम एफ बी ए प्लस 2EI/L इंटू 2θB प्लस थीटा ए -Si(ab)। यहाँ पे जैसे ए बी है तो यहाँ पे ए बी है तो 2 इसी के साथ आएगा, जैसे बी ए है तो 2 इसके साथ आएगा और फिर। ओके, अब मैंने यहाँ भी कहा है कि ए का भैया, तो भैया बी वैल्यू 0 है, तो यहाँ सीधा सीधा ये कैंसल होके कुछ इस तरीके का दिखेगा, और एम एफ ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए जो कि आई थी हमारी 3.6 पॉजिटिव में। ओके, तो यहाँ से हमको एम ए बी और बी ए की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, बी सी जो हमारा सेक्शन है उसके लिए करेंगे, तो एम
बी सी इक्वल्स टू एम एफ बी सी, चलो लिख देता हूँ, एम एफ बी सी प्लस टू ई आई बाई एल इंटू टू थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस फाइव बी सी। ठीक है, एम बी सी का वैल्यू क्या हो गया, ये आया था माइनस फाइव प्लस टू ई आई, कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके, फाइव टू थीटा बी प्लस, अब मैंने वहाँ भी बताया था थीटा सी एंड कंडीशन पे जीरो, तो ये भैया जीरो हो गया और ये तो भैया है ही नहीं अभी यहाँ हमारे क्वेश्चन में, तो ये हो गया सीधा सीधा वैल्यू। ऐसी एम सी बी का वैल्यू होगा प्लस फाइव प्लस टू ई आई अपॉन फाइव, यहाँ पे क्या आएगा टू थीटा सी प्लस थीटा बी, तो थीटा सी का वैल्यू जीरो थी, सिर्फ बचा थीटा बी। ओके, ये मैंने एक लाइन स्किप की है कि ऐसे ध्यान से सॉल्व करें। तो हमारे पास एम बी सी एम सी बी सब की वैल्यू आई है, तो यहाँ से हमारी बन गई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो मैंने अगला स्टेप क्या कहा था, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाना। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे बनता है इसका थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ज़्यादा कुछ कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ा चीज़ भी नहीं है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। हम क्या करेंगे, मोमेंट बी ए प्लस मोमेंट बी सी दोनों का नेट मोमेंट जीरो, खत्म, बस इतना सही करना था और कोई बड़ी बात नहीं थी। एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर जीरो, कहाँ से गया, बी से ए की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया, दोनों को इक्विलिब्रियम करने के लिए प्लस करके जीरो आना चाहिए, गॉट इट। एम बी ए का वैल्यू लिखा -3.6 प्लस टू ई आई बाई फाइव टू थीटा बी प्लस एम बी सी का वैल्यू लिख देता हूँ -5 प्लस टू ई आई बाई फाइव इंटू टू थीटा बी बराबर क्या होगा, जीरो। अब देखो यहाँ से इस दोनों वैल्यूज को ऐड, जैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कुछ वैल्यूज आएगी -1.4 प्लस 1.6 थीटा बी इंटू ई आई इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमारा थीटा बी का वैल्यू आ गया 0.875 अपॉन ई आई, गॉट इट। यहाँ से हमको थीटा बी की वैल्यू मिल गई। अब थीटा बी की वैल्यू जो मिल गई है, इस वैल्यू को थीटा बी इक्वल्स टू 0.875 अपॉन ई आई, इसको हम पुटअप करेंगे, कहाँ कहाँ पुटअप करेंगे, एम ए बी में, एम बी ए में, एम बी सी में, एम सी बी में। ओके, तो हमको इसकी क्लियर कट वैल्यूज मिल जाएंगी कि यहाँ कैसे कैसे मोमेंट मिल रहा है, उसी स्टेप को हम बोलते हैं फाइनल मोमेंट, वो वाले स्टेप को। ओके, सो अब हमारे पास थीटा बी की वैल्यू मिल गई है, तो चलो क्यों ना फाइनल मोमेंट पे उतरा जाए। और एक बार फाइनल मोमेंट मिल गया, उसके बाद हमको सिर्फ पेंडिंग मोमेंट डायग्राम बचेगा। तो एम ए बी का वैल्यू कुछ ऐसा था -2.4 प्लस टू ई आई बाई फाइव इंटू 0.875 अपॉन ई आई, तो इसको काटो पीटो जो कुछ करना है करो, -2.05 बस ले आओ। ओके, एम बी ए का वैल्यू सिमिलरली यहाँ पुट करो, ये आएगा 4.3, लिखना है, अरे कर लेता ना। और एम बी सी का वैल्यू आएगा -4.3, एम सी बी का वैल्यू आएगा 5.35। अब एक क्रॉस चेक कैसे किया जाता है, देखो हमने क्या कहा था, एम बी ए प्लस एम बी सी का वैल्यू जीरो है, तभी से इक्विलिब्रियम कंडीशन उठाई थी ये इक्वेशन से, क्या ये दोनों वैल्यू ऐड करने से जीरो आ रहा है? जी हाँ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, जीरो आ रहा है, इट इज जस्ट ए क्रॉस चेक एंड नथिंग एल्स। ओके, बस अब इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ये हो गया ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी। अब हमको वैल्यूज़ पता है तो हम क्या करेंगे, हाँ देखो जब हम किसी भी बीम को फिक्स्ड एंड में मानते हैं तो हम उस पर एक साइन कन्वेंशन उस पर लगाते हैं, कैसा टाइप का साइन कन्वेंशन लगाते हैं, ऐसा ऐसा कि बाय डिफॉल्ट जो मोमेंट है वो ऐसा आना चाहिए, इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर हमारा एम ए बी का वैल्यू नेगेटिव आता है जो कि हमने माना है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में प्लॉट होगा। ठीक है, सपोज हमने इसको नेगेटिव माना और आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम इसको नीचे ड्रॉ करेंगे,
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, वंस मोर, अगर हम जैसे हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट ऐसा मानते हैं और ये हम नेगेटिव मानते हैं और हमारा एम ए बी का वैल्यू नेगेटिव आया, तो नेगेटिव और नेगेटिव, तो इसको बोलो सोने पे सुहागा और इसको सीधा ऊपर प्लॉट करो। गॉट इट? सिंपल। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाता तो ये सोना, लेकिन ये नहीं है कोई सुहागा, तो ये होगा नेगेटिव। नीचे की डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे इसको। गॉट इट? सो अभी सोने पे सुहागा ही चल रहा है। एम ए बी का जो वैल्यू आया था वो -2.05 आया, तो हम इसको ऊपर की डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव प्लॉट की। अब एम बी ए का वैल्यू क्या? पॉजिटिव आया, जो कि हमने माना था ऐसा डायरेक्शन में नेगेटिव, ऐसा डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था, जो कि आया है। कितना आया था? 4.3 आया था यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया 4.3 पे। अब सी पे, अब देखो जो नेक्स्ट भी ये बीम बनाई थी, ये बीम बनाई थी, अब इसमें ऐसा प्लॉट किया था फिर ऐसा प्लॉट किया था, यहाँ पे नेगेटिव था नेगेटिव, और यहाँ पे एम बी सी की वैल्यू भी आई थी नेगेटिव, और इसकी वैल्यू थी 4.3। तो अब ये यहीं तो प्लॉट होगा ना, कंफ्यूज मत हो ना। ओके, कि ये हो गया, ये हो गया, ये बीम खत्म, अब बी सी की बारी आई, तो अब ये यही इस पे ओवरलैप कर रहा है, तो कर रहा है, तो कर रहा है, कोई गलत नहीं है। अगर ये साइन पॉजिटिव आ जाता तो ये नीचे ऐसा ड्रॉ होता, यहाँ भी ड्रॉ होता, यहाँ भी ड्रॉ होता, अलग टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डील करेंगे। ओके, अब एम सी बी की बात करते हैं, तो एम सी बी की वैल्यू आई थी हमारी 5.35535। इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही आसमान में चढ़ रहा है वैल्यूज़। ओके, अब हम इसको सीधे सीधे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ओके, क्योंकि ये सारे पॉइंट लोड थे इसलिए इंक्लाइन लाइन बन रही है, अगर यूडीएल होता तो पैराबोलिक बनता। गॉट इट? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है, अब इसके अंदर एक अलग स्पेशल स्पेशलिटी है। वो कैसे? ये टोटल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, इसके अंदर एक और स्केच होगा। कैसे स्केच होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम ए बी सेक्शन को उठाएंगे, ये ए बी सेक्शन है, ठीक है। यहाँ दो रिएक्शन लग रहा था, यहाँ पे एक लोडिंग थी 5 किलो न्यूटन की। सपोज मैं इसको आर ए और आर बी बोलता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा इस पॉइंट पे, सेंटर पे। अगर मैं इसको ए डैश बी डैश और सी डैश मान लूँ, सपोज अभी हाल के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट है सी डैश, कैसे निकलेगा? अगर कोई डेढ़ होशियार आदमी है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, तो वो सीधा सीधा क्या कहेगा, डब्लू ए बी बाई एल, कुछ ऐसा कहेगा, ठीक है। पर अगर आप वैसे किसी को भी बेवकूफ़ कहना है, या मतलब कम पढ़ा कहना अच्छा नहीं लगता, बट है तो है, अब क्या करें, इतना डायरेक्ट में नहीं कूदेंगे, कूद भी जाएंगे थोड़े प्रैक्टिस के बाद आएंगे हम भी, हमारा भी दिन आएगा। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले तो इस आर ए और आर बी को कैलकुलेट करो। समेशन ऑफ पॉइंट ए पे 0 कर दो, आर बी इंटू 5 = 5 × 3, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल गई 3, आर ए की वैल्यू निकल गई 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन कट किए एक्स एक्स, यहाँ से डिस्टेंस माने एक्स, बेंडिंग मोमेंट लिखे, बेंडिंग मोमेंट एक्स पे क्या होगा, तो आर ए इंटू डिस्टेंस एक्स, खत्म। बेंडिंग मोमेंट ए पे क्या आया? 0। बेंडिंग मोमेंट सी पे कितना आया? 3, 2 × 3 बचा 6, तो हमको निकल गया ए पे, सी पे, बी से निकालना है, यहाँ से सेक्शन कट किया। वैसे भी हमको पता है जहाँ सपोर्ट रहता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना कुछ ऐसा टाइप का, ये कोऑर्डिनेट 0, ये कोऑर्डिनेट 0, ये है 6। अब जो होशियार लोग थे उनके लिए डायरेक्ट जो फॉर्मूला था डब्ल्यू ए बी बाई एल, ये क्या कहते हैं, 5 × a, ए यानी कि यहाँ से 3, यहाँ से 2, और यहाँ से डिवाइड में 5, ये टोटल लेंथ 5 है ना, 5 से 5 कट गया सीधा 6। ये कुछ होशियार लोग के लिए था, और ये जो आ रहे होंगे इस प्रोसीजर में, तो ये उनका सीधा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ, अब इसको हम उठा के यहाँ प्लॉट करेंगे, इसको ऐसे उठा के यहाँ रख देंगे, कि कुछ ऐसा बनेगा, ऑब्वियस बात है 6 है तो ये इसको पार करेगा ही करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे बी सी सेक्शन के लिए। तो बी सी सेक्शन में वैसे भी सिमेट्रिकल लोडिंग थी, तो हमको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है रिएक्शन निकालने के लिए।
सपोज हम इसको, चलो इसको बी डैश सी डैश मान लेते हैं और इसको टी डैश कर देते हैं सपोज अभी के लिए। आर बी डैश आर सी डैश और ये हो गया आर ए डैश। अब यहाँ पे एक लोडिंग थी 8 किलो न्यूटन की, तो ये दोनों बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नहीं आ रहा तो मोमेंट अबाउट बी लेके सॉल्व कर लेना, गॉट इट? किलो न्यूटन किलो न्यूटन। अब जो होशियार लोग हैं उनके लिए मोमेंट कैसे निकालते हैं वो लोग, बेंडिंग मोमेंट है डी डैश जैसे निकालना है, तो वो बोलते हैं डब्लू एल बाई फोर कुछ ऐसा कहते हैं, ठीक है? और हम जो थोड़े पढ़ने में एवरेज हैं ये कैसे कहते हैं, एक्स एक्स लेंगे एक्स डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट एट एक्स लिखेंगे, ये आएगा 4x, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा 0, x की वैल्यू 0 पुट किए तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी क्या आएगा 4 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा 2.5 था, ये टोटल 5 था ना, तो 4 इंटू 2.5 सो ये डिस्टेंस कुछ है 10 आई थिंक सो, यस ओके। और जो डायरेक्ट वाले उनके लिए डब्ल्यू एल बाई 4 पुट करो तो डब्ल्यू आया तुम्हारा 8, लेंथ है टोटल 5, ये डिवाइड बाई 4, ये दोनों कैंसिल के 2 टाइम ये आया 10, तो ये आएगा वही, कोई फर्क नहीं है बस थोड़ा सा ओके। अब यहाँ पे कैसा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना, कुछ इस तरीके का बन रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 10 का आ रहा है, ये 2.5 2.5 पे प्लेस किए थे, तो यहाँ पे उठा के इसको प्लेस कर दो। अब ये इसको भी पार करेगा, ऑब्वियस बात है भाई ये इसको पार करेगा, ये 10 का कोऑर्डिनेट है, ये छोटा कोऑर्डिनेट था, ये था कोऑर्डिनेट कुछ कितने का था, 6 का था, ये 10 का है तो ये ऊपर ही होगा। अब देखो इसको एज अकॉर्डिंगली प्लेस कर दिए, मतलब ये डिस्टेंस विस्टेंस सब चेक करके, यहाँ 3 है यहाँ 2 है एक्स वाई जेड ओके। अब इसको हम हैच करेंगे, जो कॉमन एरिया है हम सिर्फ उसको हैच करेंगे, जैसे ये जो दोनों में आया है इसको हैच करेंगे, और ये हमारा शो करेगा एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओके। दिस इज द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी नेगेटिव ओके। द हैच एरिया इज द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द दिस बीम ओके। अरे यही इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जी।